एखन हमनी रांची पहुंचल इतलाव बीआईटी मेसरा और हमनी यहाँ मुख्यमंत्री खातिर भेंट करे खातिर जा हलिए। यहाँ मेसरा में हमनी रोकल गेले पता नहीं, सिर्फ हम लोग को रोका जा सकता और किसी को रोका नहीं जा सकता। बाकी मंत्री विधायक खिचाइन करके रहते, राज को बर्बाद कर दे, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। जनता घर से निकले तो लॉ एंड ऑर्डर। इनका भी हम अपने गांवों में कदर नहीं करते और आज उनको बड़ा भाई का फर्ज निभाना होगा, हम लोगों से मिलना होगा। हम उनके छोटे भाई हैं, हम लोग हमेशा करते हैं, वो हमेशा हम बोलते रहे हैं। सड़क पे बहुत आंदोलन हुआ, आप आगे मिलिए बड़ा भाई से, बड़े भाई से हमारी मिले लगी आज। अगर हमारी बड़े भाई से ना मिले पाते तो फिर ऐसा बड़ा भाई के मुख्यमंत्री बनाना हमारे लिए बेकार है। एकर से ज्यादा किए 150 किलोमीटर चल के आलिए, पैदल चल के आलिए। इतिहास देखेगा तो झारखंड आंदोलनकारी सब किस प्रकार से चल के आए थी, अपनी के दुख दर्द तो अपन में लिए ताकि हमारी बड़ दादा के तनी सा कलेजा पसीते। लेकिन अभी सर सब आए हथिन यहाँ, हमारी रोकल हथिन हम शांतिपूर्ण तरीके से। हमारी यूँ पर एक लाइन लगा के हमारी जो है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री हमारी बड़ दादा से मिलकर बात रखब चाहेल है। तो एकदम बहुत ज्यादा के मिले आता है तो जब तक प्राणी ये बैठबे जहाँ रोकते हुए बैठबे और जब तक ना मिलते तब तक यहाँ सभी जाए वाला क्यों ना कहे कि ये 150 किलोमीटर तय कर लिए तो हमारी जो रास्ता में मिला हल है माँ काकी दादी चाचा सब बोल रहे की जाए तो रहने बेटा, लेकिन बिना मिलल है। हम जो निकले थे ना महुदा मोड़ से, उससे पहले बलियापुर गए थे विनोद बाबू को नमन करने और उसी समय ये कसम खाकर आए थे तीन ही चीज होगा, या तो गोली मार दिए जाएंगे या मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। हम लोग अभी बीआईटी के पास रोका गया है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे गांव को बर्बाद करके जिस शहर को बनाया गया है उस शहर में सिर्फ हम बाजार करने आते हैं। आज हम अपना अधिकार मांगने आए तो हमको रोका जा रहा है। हम अपने गाँव में इनको रोकेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हम कोई अनपढ़ लोग नहीं है, हमने संविधान पढ़ा है, संविधान के पन्नों को अपने अंदर समाहित किया है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मुख्यमंत्री मंत्री के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर है। वहाँ जाके सैल्यूट बजाते हैं और हमें आके कानून बताते हैं, उनके सामने क्यों नहीं कानून निकलता है। मंत्री विधायक दिन भर रैली रैला कर रहे हैं तब 144 नहीं टूटता है, मंत्री विधायक दिन भर घूम रहे हैं तब नहीं टूटता है कोविड प्रोटोकॉल। और हम जब निकले हैं अपने गांव को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने बाप दादा की विरासत को बचाने के लिए, तो हमें कोविड प्रोटोकॉल का ज्ञान दिया जा रहा है। जान त्याग देंगे इसी जगह पर, लेकिन बिना मुख्यमंत्री से मिले नहीं हटेंगे। क्योंकि भीड़ देख रहे हैं सब मरने के लिए ही आया है और सब पागल लोग हैं, सब पागल लोग हैं माटी के प्रति। सबके अंदर निर्मल है, सबके अंदर वीरता है और सब निकले हैं। हम लोग 150 किलोमीटर पैदल चले हैं, उसके बाद जो मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं करते हैं ऐसा निर्दय मुख्यमंत्री राज्य में नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना चाहिए, जो राज्य की जनता की भावनाओं को समझे, राज्य की जनता के आंसुओं को पोछे, राज्य की जनता के पैरों को धोले। ऐसा मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है इस राज्य के अंदर। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाएं हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।